जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो कन्हैया के लाडलो? तो अभी हो रही है सफाई, और सफाई के साथ अभी ये पिछवाई चेंज हुई है ठाकुर जी की। ये पिछवाई क्या होती है? पिछवाई होता है ठाकुर जी के पीछे जो बैकग्राउंड होता है उसको बोलते हैं। तो ये पूरी पिछवाई सेट करी है, और ये खंड पाठ है। ये खंड पाठ पे हमने गद्दी बनवाई है ताकि ठाकुर जी को, जैसे वो इस पे नहीं बिठाएंगे अपन, कुछ बिछाने का चाहिए होता है ठाकुर जी को। पिछवाई बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। इसमें हमारे पास और भी पिछवाई है, गिरिराज जी की है, राधा जी की है, कृष्ण जी की है, अलग अलग भी है। और हमारे गोपाल जी का, ये उनका सारा अभी जो डेली सीढ़ी पे लगता है उनके, और ये सीढ़ियाँ हैं, डिटैचेबल है। इसके बाद ये रहे हमारे लड्डू, देखिए बहुत सुंदर लग रहे हैं ना। अभी इनको हमने यहाँ विराजमान करवाया है खाट पे, और एक बार ये पूरा सेट होने के बाद में उनका स्नान ध्यान होगा, उसके बाद में श्रृंगार होगा। श्रृंगार में आपको बताऊंगी कैसे। और ये मंदिर है, अभी पेंट हुआ है तो इसलिए अभी थोड़ा आपको ऐसा लग रहा है। अभी पूरा डेकोरेट होगा और पूरी साज सज्जा होगी। और ये हमारी माता जी हैं, अभी इनका भी श्रृंगार चेंज होगा, ये देखिए। तो मंदिर में हमारे पास सब हैं, ऐसा नहीं है कि मंदिर में सिर्फ गोपाल जी और किशोरी जी हैं, हमारे देवी देवता सबकी सेवा होती है। तो चलिए कृष्ण भक्तों, पहले थोड़ा साफ सफाई कर लेती हूँ मैं, और फिर उसके बाद मैं आपको ठाकुर जी का श्रृंगार बताऊंगी। चल तो कृष्ण भक्तों, ये है चंदन का लेप करती हूँ मैं, क्योंकि हमारे घर में किशोरी जी विराजमान है, तो सबसे पहले चंदन का लेप अत्यधिक जरूरी है। तो कृष्ण भक्तों, ये देखिए अभी मैंने ये थोड़ा सा ठाकुर जी के खेल खिलौने सजाए। खेल खिलौने में बहुत आइटम है हमारे पास, इतने सारे सेट वगैरह हैं, गोपी सेट वगैरह, जैसे यहाँ पे गोपियाँ हैं वैसी हैं। पर कभी कभार क्या होता है कि थोड़ा सिंपल भी रहना अच्छा लगता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा भर जाता है। ये सब आइटम जो भी आपको दिख रहा है वो सब भी अवेलेबल हो पाएगा। तो आज ठाकुर जी क्या धारण करने वाले हैं? आज ठाकुर जी धारण करने वाले हैं ये कलर, और ये मैं निकाल के लाई हूँ। और ये है ठाकुर जी की पेटी, देखिए ठाकुर जी की बहुत सारी पेटियाँ हैं मेरे पास। तो एक ही खास पेटी है जिसमें ठाकुर जी का हैवी श्रृंगार रहता है, जो सिर्फ मैं तीज त्यौहार पर ही निकालती हूँ। प्योर प्योर आइटम है ये सारा। तो जैसे ये बत्ती हो गई, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बत्ती है सारी, काली गोटी जिसे बोलते हैं, उसकी बत्तियाँ बनती हैं, और जब बत्ती श्रृंगार होता है तो उसमें काम आता है। देखिए तो ये सारा बत्ती है, प्योर में है सब। देखिए ये वाला आइटम भी आप देख सकते हैं, और ये थोड़ा रॉ मटेरियल रहता है जो मैं यूज़ कर लेती हूँ ठाकुर जी के श्रृंगार में। और ये देखिए आपको दिखाती हूँ, ये सब आइटम आप देख सकते हैं जो बहुत ज़्यादा हैवी है। और पहले हम स्नान ध्यान करवा देते हैं प्रभु का, और ये आप देख ही चुके हैं, ओट ज़रूरी है ठाकुर जी के। मैंने आपको हमेशा ही बोला अपनी वीडियो में, ओट ज़रूर रखें। छोटा सा भले ही मंदिर हो, किचन में हो, घर में हो, मतलब रूम में हो, कहीं भी हो, तो छोटा सा पर्दा ज़रूर डाल के रखें आप। और कांच ज़रूरी होता है ठाकुर जी का, तो ये मैंने कांच रख रखा है। इसको इस बार मैं सजाने वाली हूँ, इस कांच को पूरा तैयार करने वाली हूँ, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि इस बार कुछ अलग हो जाए ठाकुर जी के। ये देखिए तो ये बहुत ही सुंदर लगता है जब हमारे प्रभु यहाँ विराजमान होते हैं, तो बहुत प्यारा लगता है ये पूरा। चलिए पहले ठाकुर जी का स्नान ध्यान करवा देते हैं, आइए। तो ये रहे हमारे गोपाल जी और किशोरी जी, बहुत सुंदर लग रहे हैं। देखिए मुझे तो बिना मेकअप के ही इतने प्यारे लगते हैं, पर श्रृंगार तो श्रृंगार होता है। और अब हम स्नान करवाएंगे। स्नान हमेशा ध्यान रखें, प्लास्टिक में ना करवाएं स्नान, और या तो आप मेटल ले लें, या फिर आप थाल ले लें, मतलब पीतल ले लें। प्लास्टिक में आप स्नान, प्लास्टिक के टब जो होते हैं, बाथ टब होते हैं, उन्हें स्नान ना करवाया। तो चलिए पहले ठाकुर जी को स्नान करवाएंगे। पहले कैसे करवाएंगे? ये मैंने थाल लिया है, तो सबसे पहले यहाँ ठाकुर जी का सांध्या बनेगा। देखिए कुछ कुछ चीज़ें हैं मैं नहीं बता पाती हूँ, और वीडियो भी डेली नहीं डाल पाती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि जब भी वीडियो डालूँ तो उसमें मैं बहुत कुछ जानकारी जो महत्वपूर्ण है वो आपके पास पहुँचा पाऊँ। और प्लीज़ अगर किसी को लगे कि और कुछ चाहिए तो प्लीज़ आप वीडियो के कमेंट में कर दीजिएगा कि क्या क्या वीडियो आपको चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगी पोस्ट करने की। तो सातिया वगैरह बना के इसमें ठाकुर जी का आप चौकी रखेंगे, और मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए ये चौकी हमने रखी है ठाकुर जी के। अब क्या होता है कि इस चौकी के ऊपर, ये सेवा का नियम बता रही हूँ, आप चाहें तो ऐसे भी स्नान करवा सकते हैं, भाई आप स्नान ही करवा लीजिए वही बहुत है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों के देखा है कि ठाकुर जी महीने महीने भर तक स्नान नहीं करवाते। तो ये फिर कप क्लोथ है, मैं आपको बता देती हूँ, ऐसे मखमल का क्लोथ आता है,
जैसे कि ये है, ये तो मुंह पोंछने का है, एक हाथ मुंह पोंछने का अलग होता है, आसन पे बिठाने का अलग होता है, और उनके शरीर को उनके अंग को पोंछने के लिए कपड़ा अलग होता है, वो मखमल का अवेलेबल होता है जो अपन यूज़ करते हैं। तो अभी हम ठाकुर जी को यहाँ पे कपड़ा बिछाएंगे, उसके बाद विराजमान करवाएंगे। देखिए तो अब ये हमने यहाँ बिछाया है, और ये अभी यूज़ में इसलिए है क्योंकि मैंने कल ही इस पर स्नान करवाया था ठाकुर जी को, तो 2-3 दिन बाद फिर इसको हम वापस से धो के सुखा देते हैं, इसकी जगह फिर दूसरा यूज़ होता है, फिर वापस इसको यूज़ नहीं करेंगे हम। तो ये रहे ठाकुर जी, चलिए हम विराजमान करवा के स्नान करवा देते हैं। ये जल हमने तैयार कर लिया है, अब इसमें इत्र डाली जाएगी, और इत्र प्लीज़ जो भी आप यूज़ करें मार्केट की उसको देख के यूज़ करें, क्योंकि बिल्कुल प्योर नहीं आती हैं, क्योंकि जब से हमने शुरू किया है हमको इतना पता चल गया कि इत्र में तेल मिला के लोग बेचते हैं, तो प्लीज़ ठाकुर जी के ऐसे इत्र यूज़ ना करें सस्ते के चक्कर में। अब ऐसा कहने का नहीं है कि महंगा भी अच्छा ही होगा, लेकिन ये है कि क्वालिटी प्लीज़ चेक करके उसके बाद यूज़ करें। और ये इत्र है मेरे ख्याल से 10-15 दिन में ये फिनिश हो जाती है, ठाकुर जी के यूज़ आती है, और ज़रा सी इतना यूज़ करोगे पूरी जगह घर में महक होती है और कभी नहीं जलती है। ये तो मैंने इसका बनावट कैसे बनता है ये मैंने सामने ही देखा है, तो इत्र प्लीज़ खासकर सही से यूज़ करें। और परफ्यूम की बात आती है तो परफ्यूम मैं यूज़ नहीं करती हूँ, और जो लोग यूज़ करते हैं उनके लिए भी मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, सबकी अपनी इच्छा है, लेकिन हमारे संप्रदाय की सेवा के हिसाब से हमारे परफ्यूम यूज़ नहीं होता, और उसके ज़रा से छिड़कने से ही मतलब जो छींटे जाते हैं यानी अपन को दिखते नहीं हैं, लेकिन कहीं भी उनके आँख नाक पे जा सकते हैं और उनको दिक्कत कर सकता है, मेरा मानना ये है, बाकी आपकी इच्छा। मैं इत्र यूज़ करती हूँ, तो यही इत्र थोड़ी सी ड्रॉप्स इसमें जाएंगी, और उसके बाद ठाकुर जी का स्नान होगा, और चंदन स्नान कहते हैं इसे। आप डेली में चंदन स्नान, गुलाब जल का स्नान, गंगा जल का स्नान, या फिर कोई भी कच्चा दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, डेली में आप कोई भी स्नान करवा सकते हैं, रोज चेंज भी कर सकते हैं, जैसे आज कल आज अलग हो गया कल अलग हो गया, तो ऐसे स्नान करवा सकते हैं। और अभी थोड़े दिन बाद अलग अलग इत्र आने लगेंगी, अभी जैसे कदम चल रहा है और ये गुलाब चल रही है, और इस कदम बहुत फेवरेट है ठाकुर जी का, कदम का पेड़ आपने सुना होगा जिस पर ठाकुर जी झूला झूलते थे, वही वाली है। अब जैसे जैसे सर्दी आ रही है अब सारी ठाकुर जी की इत्र वगैरह सब चेंज होंगी, वो भी मैं बताऊंगी अगली वीडियो में कि क्या कैसा रहेगा। चलिए चलो अभी स्नान करवा देते हैं। तो कृष्ण भक्तों, ठाकुर जी का जो स्नान है वो ध्यान रखें कि शंख से करवाएं, और ये मैंने स्नान करवाया, और स्नान कैसे करवाना है, सबसे पहले उनके चरण पादुका पे जल करेंगे, उसके बाद हाथों पे, और उसके बाद सिर पे, और फिर बदन पे। और ठाकुर जी का ही नहीं, यहाँ तक कि आपको भी, अगर आप जब स्नान करें तो हमेशा ऐसे ही स्नान करें, डॉक्टर भी यही प्रेफर करते हैं, इससे ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है प्रॉपर बॉडी में, वैसे साइंटिफिक रीज़न ये है। तो ठाकुर जी का ऐसे स्नान होता है, उसके बाद किशोरी जी का भी स्नान होगा, किशोरी जी के स्नान के बाद में शालिग्राम जी का स्नान होगा। वैसे नॉर्मली पहले किशोरी जी का स्नान होता है जिनके घर में किशोरी जी हैं, उसके बाद ही ठाकुर जी का स्नान होता है, यानी सबसे पहले श्रृंगार किशोरी जी का कंप्लीट होता है, वो तैयार होकर पूरा तांबुल मुँह में रख के जब विराजमान हो जाती हैं उसके बाद में हमारे प्रभु तैयार होते हैं। तो कृष्ण भक्तों, फिर ठाकुर जी को अच्छे से पोंछेंगे, ये है मखमल का कपड़ा, तो ऐसे अच्छे से प्यार से ठाकुर जी को पोंछ के, उनके शरीर को बदन को पोंछ के, उसके बाद ठाकुर जी को विराजमान करवाएंगे। तो सबका सवाल ये होता है इस पानी का करना क्या है। इस पानी का ऐसा है कि आप आंखों पे लगा के चनामत लेकर घर में सबको देकर उसके बाद सिरा दें, प्लांट्स में सिरा दें या फिर तुलसी माता में सिरा दें, अगर संडे हैं तो तुलसी माता में नहीं डालें, है ना। और ये सिराने के बाद में जैसे तुलसी का भी होता है कि तुलसी का क्या करना है, तो तुलसी जो कलकी है बासी है उसको भी सिरा देना है पौधों प्लांट्स में, ठीक है। तो ठाकुर जी का अब ये होगा, इसके बाद ठाकुर जी की श्रृंगार होगा। श्रृंगार में मैंने बताया ये होने वाला है आज ठाकुर जी का पिंक कलर का, तो चलिए पहले मैं उनको थोड़ा निर्वस्त्र हैं उनको पूरे वस्त्र पहना के, उसके बाद आपको श्रृंगार का करवाती हूँ। चलिए देखिए कृष्ण भक्तों, अभी थोड़ा बहुत श्रृंगार किया है मैंने, और अब उनका मेकअप होगा। देखिए तो ये रही हमारी ठाकुर जी। चलिए तो देखिए कृष्ण भक्तों, ये हमने ठाकुर जी और किशोरी जी को तैयार कर दिया है, अत्यधिक मनमोहक लग रहे हैं, देखिए
ये हमारा लड्डू देखिए, तो ये श्रृंगार किया है और अभी जो तुलसी पत्र हैं ठाकुर जी पे धारण करेंगे हम, और शालिग्राम जी पे भी धारण होते हैं, उनको बिना तुलसी के नहीं रखते, तो शालिग्राम जी को यहाँ पे। और सबके मन में रहता है कि शालिग्राम जी अंदर कैसे तुलसी में रखा जाता है, तो जी हाँ, एक तुलसी के पौधे में रखा जाता है और एक मंदिर की सेवा में होता है, इनके बिना सेवा लगती नहीं है, ऐसा कहते हैं हमारे संत। और संत महात्मा का यही कहना है कि मंदिर में शालिग्राम जी होना बहुत ज़रूरी है। और ये शंख है हमारे ठाकुर जी का छोटा सा। तो हमारे गोपाल जी हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, किशोरी जी भी मनमोहक लग रही हैं, और ये देखिए बहुत सुंदर। तो अभी भोग आरती होगी, तो कृष्ण भक्त, तो देखिए अब ठाकुर जी को भोग आरती होगी और राजभोग लगने के बाद में ठाकुर जी और राधिका प्यारी यहाँ से प्रस्थान करेंगे आसन से। दूसरा आसन लगेगा किशोरी जी का, उसमें ऐसा है कि अभी तीज त्यौहार शुरू हो गए, तो किशोरी जी की मेहंदी की रस्म, चरण सेवा जो होती है, चरण सेवा, हाथों का, और ये ठाकुर ठाकुरानी के ये सब सेवा अलग से होंगी, तो उनका अलग आसन लगेगा। जैसे कि करवा चौथ आ रहा है, तो उनके लिए मेहंदी की रस्म और उनके जो चरण पादुका की जो सेवा होती है वो होगी। वो भी कैसी होगी वो कुछ चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में डालूंगी, नहीं तो अगर ये वीडियो अगर लंबी होती है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट टू में डालूंगी। और ये आप श्रृंगार देख सकते हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी, देखिए बहुत ही प्यारी लग रही है हमारी किशोरी जी, और बहुत ही मनमोहक लग रही हैं। ये लहंगा है इनका प्यारा सा, और ये हमारे गोपाल हैं। तो कृष्ण भक्तों, ये है 16 श्रृंगार का सामान रखा है किशोरी जी का। सबसे पहले इनके अर्पण होगा, करवा वगैरह भी इनका रखा जाएगा, जैसे चलनी भी बनेगी इनकी, और करवा चौथ की जैसे जो तैयारियां चल रही हैं। और अब किशोरी जी, ये जो हमारी किशोरी जी यहाँ बैठी हुई हैं, अभी सबसे पहले इनकी मेहंदी होगी और उसके बाद में ही घर की जो भी और महिलाएं हैं हमारी, उनके फिर मेहंदी की रस्म होगी, सबसे पहले किशोरी जी के ही लगेंगी। तो चलिए हम किशोरी जी के मेहंदी लगा देते हैं। आपके भी अगर मन में सवाल हो कि भाई हमारे घर में किशोरी जी नहीं आई हैं और हमको पता नहीं है कि अब पहला करवा चौथ है कैसे मनाएं, तो सबसे पहले किशोरी जी के 16 श्रृंगार उनके नाम का अलग से निकालें। किशोरी जी के हमने मेहंदी लगाई है, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया लग रही हैं। उसके बाद उनको कंगन धारण करवा देंगे और बहुत सुंदर लग रहे हैं। आप भी ऐसे ही अपनी किशोरी जी को बनाएं। अब अगले दिन चौथ माता का जो व्रत होता है वो होगा, वैसे ही मेरी माता मम्मी के साथ में किशोरी जी को विराजमान करवा के उनका सबसे पहले पूजन करवाया जाएगा, और जो घर की या फिर गली की जो भी सबसे बुज़ुर्ग लेडी होती है वो आके सबसे पहले किशोरी जी के कान में उनके प्रभु का नाम लेंगी, जैसे कि काना, या फिर हम में से कोई उनके कान में नाम लेगा काना जी का। उसके बाद में वो चांद देखेंगी और फिर सब महिलाएं जो होंगी 15-20 जो भी आती हैं हमारे साथ में पूजा करने, वो सब पूजा करेंगी। तो उसकी वीडियो मैं कल डालूंगी, नेक्स्ट डे डालूंगी, तो ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।